नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज कलेक्ट्रेट चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह भदौरिया, आनंद सिंह चौहान, अरविंद तिवारी, आदिवासी नेता बसंती कोल सहित कांग्रेस के अन्य नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिले के समस्त विकास खंडों में प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरूक करने के लिए फसल बीमा रथ को अपर कलेक्टर बीके पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर राजेश सिंह, उप संचालक कृषि और कृषि विभाग के प्रतिनिधि और एचडीएफसी एग्रो जीआईसी के जिला प्रबंधक रूपल शुक्ला और जिला प्रतिनिधि पवन साहू उपस्थित थे। उप संचालक कृषि द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वह अपनी फसलों का बीमा बैंक या नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। जिले में पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित चना और सरसों, तहसील स्तर पर असली और जिला स्तर पर मसूर की फसल को अधिसूचित किया गया है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। नगरपालिका परिषद सीधी द्वारा रविवार की सुबह से नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी, सोनांचल बस स्टैंड सहित गोपालदास मार्ग वार्ड क्रमांक 10 सहित अन्य स्थलों पर समग्र स्वच्छता अभियान और अतिक्रमण हटाने हेतु बुलडोजर चलवाया गया। आपको बता दें कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमला कोल द्वारा बताया गया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर रविवार की सुबह से सार्वजनिक मार्ग को विद्युत करने वाले अतिक्रमण को जेसीबी मशीन और नपा कर्मियों के द्वारा जेसीबी मशीन चलवाकर सार्वजनिक मार्ग को बहाल किया गया। नपा सीएमओ ने बताया कि मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर ग्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्तर पर कार्यों को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी कलेक्टर एमआर खान द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि समय सीमा पत्रों का निराकरण निर्धारित समय अवधि में ही करना सुनिश्चित करें। शासन और वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही कर संबंधित कार्यालय को अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से विलोपित कराएं। इस दौरान कलेक्टर एमआर खान, जिला पंचायत सीईओ राहुल नामदेव घोटे सहित अन्य विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में पत्रकार 11 और पुलिस 11 के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। रोमांचक मुकाबले में पुलिस 11 की टीम विजय रही। टीम में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, राहुल नामदेव घोटे सीईओ जिला पंचायत सीधी और हर्षल पंचोली सीईओ जिला पंचायत अनूपपुर समेत पुलिस के अधिकारी कर्मचारी टीम में शामिल रहे। पत्रकार 11 में खेल प्रेमी पत्रकार शामिल रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे ई न्यूज़ एमपी के साथ। नमस्कार।